वर्तमान गुजरते वक्त में यह बात लोगों की जुबानी सुनी जाती है कि अगर आपको सही तरीके से यानी सही मायने में पैसा कमाना है तो दो व्यवसाय कीजिए आप। पहला तो शिक्षा संस्थान खोलिए यानी स्कूल, और दूसरा नर्सिंग होम यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत पैसा है। यह किसी और के लिए होगा, हो सकता है यह बात सही ना हो, लेकिन एक शिक्षण संस्थान के लिए यह व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। हम बात ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से आज से पहले तक रांची का बोध होता था क्योंकि रांची में उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अपने गढ़वा जिला में भी तब ऑक्सफोर्ड स्कूल जो ग्रुप है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ग्रुप, उसके द्वारा स्कूल की शुरुआत की गई। तब जब हम आप सभी कोरोना के विषम काल से गुजर रहे थे, स्कूल की शुरुआत होती है, सब कुछ ऑनलाइन था, ऑनलाइन क्लास शुरू होता है, ऑनलाइन पढ़ाई में भी उम्दा पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल उस वक्त से जाना गया और लोगों द्वारा अपने अपने बच्चों का नामांकन इस स्कूल में कराया गया। यही ऑक्सफोर्ड स्कूल है, आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर डुमरो गांव है जहां पर यह स्कूल है। स्कूल की शुरुआत जैसा कि हमने कहा कि कोरोना काल में हुआ था, विषम हालात था ही, लेकिन संघर्ष करते हुए आज स्कूल ने सफलता का मुकाम पा लिया। वो इस तरह कि 21 में शुरुआत हुई थी और आज 2024 के जुलाई माह में प्लस टू का दर्जा यानी सीबीएसई प्लस टू का दर्जा उस स्कूल को मिल गया, उस प्रबंधन को मिल गया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। आज इस उपलब्धि को लेकर इस ग्रुप के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल ग्रुप के चेयरमैन सब पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शशिभूषण मेहता द्वारा गढ़वा स्कूल में ही प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर उनके द्वारा स्कूल की कब शुरुआत हुई थी, कैसे प्रबंधन द्वारा अंथक मेहनत किया गया, अभिभावकों का भी सहयोग रहा और आज तब जाकर के स्कूल को मान्यता मिली है, निश्चित रूप से हर्षित होने का पल है, लेकिन साथ ही विद्यालय प्रबंधन की मेहनत की सराहना करने का भी दिन है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन की सराहना भी की, आप तस्वीरों में स्कूल को देख रहे हैं, प्रेस वार्ता हो रही है, उसे भी आपको भी नजर कर रहे हैं। साथ ही एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि चेयरमैन आगे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल बैठे हुए हैं, उनके साथ सभी स्कूल के शिक्षक भी मौजूद हैं। इन तस्वीर में आप देखिए, यही शिक्षकों का जो ग्रुप है वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दिया करता है। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो गढ़वा में संचालित हो रहा है, जहां पर पहले तो छोटे छोटे बच्चों की जो पढ़ाई होती है, खेल खेल में कहा था कि बच्चे पढ़ते हैं, तो सारी सुविधाएं मौजूद है। ऊपर क्लास में जब जाइएगा तो बजाबते स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई होती है, सभी तरह की सुविधा मौजूद है, लैब है जहां बच्चे तकनीकी ज्ञान हासिल करते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन आज से नहीं, जब इसकी शुरुआत राज्य मुख्यालय यानी रांची में हुई थी स्कूल की शुरुआत, तब से लेकर लगातार ऑक्सफोर्ड पब्लिक ग्रुप उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जा रहा है। आज इस मान्यता मिलने को लेकर जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, चेयरमैन शशिभूषण मेहता ने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। हम सबसे पहले गढ़वा के तमाम इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अभिभावकों को, प्रेस मीडिया को और यहाँ के सारे लोगों को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने सहयोग किया और विश्वास जताया इस विद्यालय के प्रति, जिसमें
आज बड़े ही कम समय में करीब 2021 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी और आज 24 में इस विद्यालय को CBSE ने मान्यता दिया है और अपना एप्लीकेशन देने के बाद विद्यालय के बच्चे इसी विद्यालय से प्लस टू भी करेंगे और 10th भी करेंगे। आने वाले समय में जो दूसरे लोग इसका कारण यही है कि विद्यालय के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन, ये इतना अच्छा डिसिप्लिन है, उसी कारण से सारे ये को देखते हुए, सारे व्यवस्था को देखते हुए CBSE ने ऐसे मान्यता दिया है ये इस गढ़वा के लिए एक उपहार के रूप में ऐसे विद्यालय है। वो आने वाले समय में प्लस टू तक बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ करके ऐसे अपने मुकाम हासिल करेंगे, आज पूरे देश में नाम रोशन करेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी के ये में लाइट में हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए पूरे मैनेजमेंट को हम अपने अपनी ओर से पूरे बधाई देना चाहेंगे। इसके साथ साथ अभिभावकों को बहुत बहुत उनके सहयोग के लिए बधाई देना चाहेंगे, जिनके सहयोग से मात्र 3 साल के अंदर स्कूल ऐसे प्लस टू तक का ऐसा मान्यता मिला है, जिससे कि बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ऐसे यहाँ से अच्छा करके निकलेंगे और हम लोग काफी इसके लिए खुश हैं और आने वाले समय में उपहार के रूप में और कुछ देंगे जिसकी ऐसे हम लोग उसमें बात करेंगे। देखिए व्यवस्था में जो एक सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं, स्कूल सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं। हम लोग जो भी जरूरी होगा हम लोग उसको व्यवस्था करेंगे और हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो जरूरी होगा हम लोग करेंगे। टीचर बाहर से आना पड़ेगा तो टीचर बाहर से आएंगे, यहाँ से जो यहाँ के जो होगा जो एजुकेशनिस्ट होंगे, जो अच्छे जो टीचर होंगे उनको हम लोग यहाँ भी देंगे और उनको ऐसे हम लोग अच्छी सैलरी दे रहे हैं, अच्छी सैलरी देंगे और जिससे कि ऐसे लोग अच्छा कर सके। और हम लोग मेन उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन देना है, जिसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इस पर समझौता नहीं करेंगे, उन्हें करते हैं, हम लोग का पहचान है, विद्यालय का पहचान है क्वालिटी एजुकेशन देना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।